लगता है तो मजारों में शक्ति है, मंदिरों में शक्ति नहीं है। हाँ, ये बात ये मजारों दूसरे धर्म में चलो। हाँ, ये सब बेकार है हिंदू हिंदू धर्म। हाँ, मजार में चलो और वहाँ चलो दरगाह में चलो, मुल्लों के यहाँ ज्यादा ठीक है। हाँ, बाबा। बस मुल्ला बन जाओ। हाँ, बाबा। है ना। हाँ, अपने आप से खुद को बदबू आती थी कभी कभी। हाँ, छोड़ दो, दूसरा धर्म में चलो। हाँ, बाबा। ये धर्म बेकार है, एकदम लगता था कि दूसरे धर्म में चले चलो। हाँ, सब छोड़ दो। देव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा, माँ और बाबा के चरणों में कोटि कोटि। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सब कष्ट गए, नहीं तो बुद्धि मंदी रहती थी, दिमाग काम नहीं करता था, हैं, कोई काम नहीं कर पाती थी, बस पड़े रहो, बैठे रहो, रोते रहो, यही सब काम था, है। हाँ, अब सब सब नष्ट हो गया, सब गंदगी चली गई, खुद श्वास फूलता था ना बाबा। हाँ बाबा। और सब गंदा गंदा था दिमाग में, रीढ़ की हड्डी भी गल रहा था। हाँ, छाती में गांठे बन रहा था सब। हाँ, हाँ बाबा। चेस्ट में। हाँ, रीढ़ की हड्डी गल रही थी, रीढ़ की आंतों में हार्निया जैसा पेट फूल जाता था। हाँ, बाबा। आगे को। हाँ, बाबा। कूल्हे आपके गल रहे थे। हाँ, पैर सुन्न हो जाते थे। हाँ, हाँ, घुटने आपके गड़बड़ हो गए थे। हाँ, हाँ, बाबा। अब आप सब अच्छे हो, अब कोई कष्ट नहीं है, आपके तमाम रोग कष्ट थे चले गए, पढ़ सकते हो, सुन लो। बुद्धि बंधी हुई रहती थी, ओसीडी था, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, लगना, नफरत, चिढ़ होना, अत्यधिक क्रोध आना, घबराहट बने रहना, ब्रेस्ट में गांठें बन रही थी, फ्लेपियन ट्यूब में सड़न, ग्लूकोमा, आंखों में धुंधलापन आते जा रहा था, पागल बनाने वाली स्मृतियां, पीलिया, फ्रोजन शोल्डर, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय, कमर में दर्द, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, श्वास फूलना, दम घुटना, पीसीओडी की समस्या, बुढ़ापा महसूस हो रहा था, ऑर्थराइटिस, भूख कम लगना, सिजोफ्रेनिया था, जैसे लगता था कि आसपास कोई है, गंदी हरकतें होती थी, कैंसर बन रहा था यूट्रस में, ओवरी में और गुदा द्वार में। हाँ बाबा, सब सही बोल रहे बाबा। इतना खतरनाक था बाबा, और पति को देख करके बहुत चिढ़ होती थी। हाँ बाबा, बहुत हाँ, नफरत होती। हाँ बाबा, बिल्कुल सही, ऐसा लगता है छोड़ के भाग जाए, भाग गए थे हम, चले भी गए थे बाबा जी हम। और बच्चों के ऊपर तो बहुत ही क्रोध आता था, किसी के हो, लड़के बच्चे देखे तो बहुत क्रोध आता था, देख के ये नफरत होती थी। हाँ बाबा। किसी के बच्चे देख के चीड़ होती थी बहुत ज्यादा। हाँ बाबा। होती थी। हाँ बाबा। ये सब था, बहुत नकारात्मक विचार आते थे। हाँ बाबा। और कभी कभी अपनी हथेली काटने का मन करता था कि काट लें। हाँ। मर जाए। हाँ। सुसाइड करने का मन करता था। सुसाइड करने का मन करता था। ये भी लगता था कि कभी हिंदू धर्म ठीक नहीं है, देवी देवता कोई किसी काम के नहीं है, इनको छोड़ दो, दूसरा धर्म में चलो। हाँ बाबा। ये धर्म बेकार है। बिल्कुल सही बाबा, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल एकदम लगता था कि दूसरे धर्म में चले चलो। हाँ, सब छोड़ दो। हमें लगता था मजारों में शक्ति है, मंदिरों में शक्ति नहीं है। हाँ, ये बात ये मजारों दूसरे धर्म में चलो। हाँ, ये सब बेकार है हिंदू हिंदू धर्म। हाँ, मजार में चलो और वहाँ चलो दरगाह में चलो, मुल्लों के यहाँ ज्यादा ठीक है। हाँ बाबा। बस मुल्ला बन जाओ। हाँ बाबा। है ना। अपने आप से खुद को बदबू आती थी कभी कभी। हाँ, है ना। और शीशे के सामने तुम्हारे अंदर एक बड़ा सुंदर गुण था भाई, शीशे के सामने खड़े होकर अपने को देखती थी। हाँ। तो ऐसा लगता था हमसे सुंदर कोई दुनिया भाई है नहीं। सही बाबा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे बाबा, बिल्कुल सही बोल रहे बाबा, बिल्कुल सही बोल। कोई बात नहीं बेटा, आपके यूट्रस में चूंकि फाइब्रॉइड्स थे, है ना, और एग्स नहीं बनते थे अंडे, यूट्रस सड़ रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी, ओवरी भी निष्क्रिय थी, मासिक धर्म आपका ठीक नहीं था। हाँ, नहीं ठीक था बाबा, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं था, पूरा बेटा सड़ रहा था, लेकिन हाँ, अभी एक महाहवन आपको करना है, दरबार की ओर से निशुल्क है। हाँ, ठीक है। हाँ, बाबा। वो करिए, अपने को रखिए, अपने पति देव को रखिए उसमें संकल्प में। हाँ, और किसको किसको रखे हो? दो ही लोगों को, मैं और मेरे पति, बस दो लोगों को रख करके महाहवन करिए। हाँ बाबा। निशुल्क है और आपको संतान होगी, ठीक है। हाँ, परेशान नहीं हो, दरबार दिखा रहा है बाबा। 25 साल से हम यही उन्नाव के रहने वाले हैं। अच्छा, दुनिया दुनिया घूम आए, बाबा मैंने हमें नहीं बुलाया। बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत पर दवा कराया, इतनी दवा, संतान होगी, ऐसे यूट्रस तुम्हारा ऐसे बन गया था, सड़ गया था बिल्कुल बेटा। लेकिन लेपन करना है पूरे 6 महीने, ध्यान रखना सिर पे और नाभि पे, तुम भी और पति भी, तो नेचुरल संतान होगी तुमको, ठीक है। ये सर इतने रोग कष्ट आए थे, बाकी ये सब बाबा जी थोड़ा बात करने थे। करो करो बाबा जी, मैंने 6 बार IVF करा लिया है, तो डॉक्टर तो रहे ना,
अभी क्या कहा हमने, नहीं होगी संतान में जब जब यूटर से सड़ा उगला हुआ। अब करना क्या है, केवल लेपन करना है सिर पर और पेट पर, नाभि पर डेली। ये करोगे 6 माह तुम और तुम्हारे पति तो संतान होगी नेचुरल। बोल तो रहे सब अच्छा हो जाएगा, नेचुरल संतान होगी, इसीलिए तो बोला प्राकृतिक रूप से हो जाएगी। परेशान मत हो, धैर्य रखो, एकदम धैर्य, संतान योग है पूरा अब तुम्हें, ठीक है। कोटि कोटि प्रणाम बाबा, हम बहुत थक गए बाबा। बिल्कुल परेशान मत हो, अब सब अच्छा, खुश रहो, खूब खुश रहो, महा हवन करो तत्काल।